ये सब जो है अस्त व्यस्त हो गया। तो जल के प्रति जो उदासीनता है वो ठीक नहीं। नदियों का क्या हाल है आप जानते हैं, उनके प्रदूषण, उनकी गतिमानता, उनकी प्रवाहमानता, उनका सातत्य, उनकी अविरलता, निर्मलता अब कहाँ रह गई है, ये अब सजग है। तो एक ये भी उद्देश्य है हमारा कि हम पर्यावरण के प्रति सजग रहें। पेड़ लगाएं, पेड़ बड़ी चीज है, वो बड़ा साथी है, अन्न की पाचकता रहे, पौष्टिकता रहे, परिवार में प्रीति और एकता रहे, सामाजिक समरसता रहे। सामाजिक समरसता का अर्थ है कि सब हम सब बराबर की तो हैं, सबके अधिकार सबको मिले। एक और अंत में मैं बात करना चाहता हूं, चूंकि मुझे ये बात भी कहनी थी, जो स्वयंसेवी संस्थाएं वो अध्ययन के लिए लोगों में उत्सुकता पैदा करें। तो अमेरिकन लाइफस्टाइल है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, ये 400 खरब लीटर पानी आप केवल टैनरी से खराब कर रहे हैं, जो 50 करोड़ लोगों को एक साल के लिए पिलाया जा सकता है। तो वो वहां पर जो एक तरह से स्लॉटर हाउस है, जो कतल खाने हैं, जो बहुत ही फॉल्टी एक दोषपूर्ण उनका जीवन है कि वो मांसाहार कर रहे हैं, उन्हें गाय, बैल, भैंस, घोड़े, बकरियां और सुअर इसलिए पालने हैं कि उन्हें मांस चाहिए। अब उनको पालने के लिए उन्हें खेती चाहिए, उन्हें अन्न खिलाना है। तो देखिए, वो खेत के लिए जितना जल दे रहे हैं उतना ही जल फिर उन्हें दे रहे हैं। तो 400 खरब लीटर पानी जो 50 करोड़ लोगों को पिलाया जा सकता है, उतनी आबादी तो वहां की है भी नहीं। 10 साल के लिए अन्न उनको सहेज के रख सकते हैं। तो उस पर जो जल खर्च हो रहा है, उस पर जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, सुनिए, ग्लोबल वार्मिंग में तो कार्बन के उत्सर्जन की भूमिका है, और कार्बन का उत्सर्जन रेड मीट से है, बीफ से है, पोर्क से है। तो अगर वो लाइफस्टाइल चेंज कर लें अपना, या वो इस तरह से शाकाहारी हो जाए, तो मैं समझता हूं कि अधिक कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। और इस पर उनकी चिंता है, उनको ये बार बार उनके वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आपकी मानसिकता में हिंसा आई है, आप असहज हो गए, मनोरोगी हो गए, आत्मघाती प्रवृत्तियां आप में हैं। तो ये इस कारण है कि हमारा दोषपूर्ण जीवन है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि फ्लश सिस्टम को क्या है, लेकिन आप कल्पना तो करके देखो, हम फ्लश कितना पानी कर रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम इसको चैनलाइज किया जाए वाटर को, कि फ्लशिंग के लिए और वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर और है, तो कहीं पानी के लिए कोई और व्यवस्था करके हम पीने वाले पानी को फ्लश कर रहे हैं। तो बड़े घरों में तो घड़ी घड़ी आप जाकर देखें फ्लशिंग से कितना पानी खर्च हो रहा है। तो कहीं हम इस तरह की समझ पैदा कर सकें कि जो ये जल वेस्टेज वाटर है, जो उसको हम शुद्ध करके उसे तो फ्लश के लिए यूज करें, और पीने वाला पानी तो हम पीने वाले जल को ही फ्लश कर रहे हैं, और वो कितना हो रहा है। एक दिन में आप 5-7 प्राणी है घर में जाइए। तो मुझे ऐसा कहना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, भैया जल को बचाइए, नीर को बचाइए, नीर बचेगा तो नर बचेगा, मानवीय सभ्यता बचेगी, क्योंकि वो पानी में ही पैदा होता है परमा जलाशय। तो वो यहाँ की नदियों का कुछ और सच है, यहाँ की नदियां हैं जो तालाब से रिचार्ज होती है। गंगा तालाब से रिचार्ज नहीं होगी ना, गंगा यमुना की कुछ और प्रकृति है, जबकि नर्मदा की या आपकी क्षिप्रा की जो प्रकृति है वो है रिचार्ज होगी। तो उसके लिए वैसे पेड़ पौधे वनस्पतियां उस तरह के वहां पर कहीं तालाब बना दिए जाए तो नदी रिचार्ज हो जाएगी। तो छोटे 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 समूह में अगर एक प्रकार का अभियान लिया जाए तो नदियों को स्वास्थ्य दिया जा सकता है। एक जानकारी दे रहा था खाली, हम प्रत्येक कुंभ में जल चर्चा रखते हैं, जल कुंभ रहता है हमारा। 2004 में भी हमने सिंहस्थ में किया था, इस बार भी करना है जरूर हम।